पढ़ाई सब कुछ, पढ़ाई से ही गरीबी दूर हो सकती है और कोई उपाय नहीं। पढ़ के आप कुछ भी बन सकते हो, बड़े अफसर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, आपका फचाल है, जैसे बनाना हो उसमें, ठीक है। और भी कुछ जोड़ना है तो उसको अच्छा भी कर सकते हो, उसमें नल वल लगाना हो, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं है, पंचायत ने डिजाइन बता दी वैसे ही बना लो, आपके घर का एक हिस्सा बन रहा है, उसको थोड़ा अपना पैसा लगा के और अच्छा कर सकते हो जी। आपके हम लोग अगर आप बनवाना चाहते हैं तो हम लोग पूरा मटेरियल दे देंगे और आप अच्छा से फैसिलिटी से भी बनवा सकते हैं। सर मैं और एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि जो हम लोग वहाँ से रेता लाते हैं तो मिल पास से हम लोग को नहीं देते हैं, वहाँ पर जहाँ से रेता उठाते हैं। कहाँ से लाते हैं? एक कराबेल से लाते हैं, पत्थल गाँव प्रतापगढ़ से लाते हैं और मंगरेलगढ़ से लाते हैं सर। तो वहाँ से फिर खनिज वाला पकड़ लेते हैं सर, फिर कुछ सर को अंदर कर देते हैं। पकड़ते हैं जी, इसके लिए भी सर। तो काराबेल में तो अपनी पंचायत है, वहाँ तो पिट पास मिलना चाहिए आपको। नहीं मिलता है, मैं बोल दूंगा काराबेल सरपंच को, है ना, वो आपको कुछ 200-300 रुपए रॉयल्टी है वो चुका दो। रॉयल्टी हम दे देंगे सर। पिट पास आपको काराबेल में मिलेगा, प्रतापगढ़ तो दूसरा जिला है। परेशान प्रतापगढ़ अपना जिले में है क्या? जिला सीतापुर, प्रतापगढ़ ना, सीतापुर से उसे पूछ बात करो। हमको रॉयल्टी देने में कोई दिक्कत नहीं, आपको पिट पास मिलना चाहिए जी, हम कटवा लेंगे। परेशान करते हैं सर, सही बात है। और यहाँ मैनपाट वाले तो नहीं पकड़े ना? नहीं, सीतापुर वाले, ठीक है। अरे आंगनबाड़ी तो है, लेकिन यहाँ की मेम लोग हैं, आंगनबाड़ी आते हैं खोल के गांव में घूमते रहते हैं, ना बच्चे लोग सही ढंग से उनको शिक्षा दे पाते हैं, ना ही उनको उनकी अच्छाई के बारे में बता पाते हैं। और यहाँ के सरपंच उप सरपंच लोग, उन लोग का भी गलती है, गाँव वालों का भी गलती है, अब किसको दोष दें? यहाँ बड़ी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, और यहाँ वही नहाने के लिए भी बाथरूम नहीं है और बहुत सारी, उसको तो नहीं बता पाऊंगी मैं। काम के लिए, विकास के लिए, और जो आंगनबाड़ी का है, जो माझापारा का प्रॉब्लम, इसमें यह है कि अगले बार तो ग्राम सभा में कई बार, जो हम लोगों से पहले जो ग्राम सभा था, कई बार तो उसमें हुआ कि वो आंगनबाड़ी हो गया है, लेकिन मैंने भूतपूर्व सरपंच से पता किया तो उन्होंने शायद उसको नेव नहीं खोदा रहा था, तो शायद ऐसा उन्होंने उनके जो आगे का जो टीम था उन्होंने लिख के दिया। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं उन बच्चों का समस्या को देखते हुए, उन गाँव की समस्या को देखते हुए, कि हम और सरपंच जी और डीडीसी भैया जो हम कलेक्टर मैडम के पास जाके माझापारा में और जहाँ भी आंगनबाड़ी की समस्या है, हम लोग उसको तत्काल से तत्काल उसको दूर करने का पूरी प्रयास करेंगे।